हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सो सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज हम लोग बनाएंगे पालक पूरी और रायता, जो टेस्टी टेस्टी पूरी बनते हैं, बच्चे बड़े सभी को पसंद आते हैं। इसके लिए गैस पे एक बाउल रख के बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मैं यहाँ 2 गिलास पानी ली हूँ। पानी में उबाल आने तक रख देंगे। जब पानी में उबाल आ जाए तो उसके अंदर कट किए हुए और धो के, मैं ऑलरेडी धो के रखी हूँ, वो पालक डाल देंगे। पालक को अच्छे से पानी में डुबा देंगे। पानी में डुबो के इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। शुगर डालने से इसका कलर ऐसा ही रहेगा। दो मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 2 मिनट बाद हम लोग छन्नी में इन पालक को निकाल लेंगे। पानी सेपरेट और पालक सेपरेट कर देंगे। पालक को ठंडा होने देंगे। जब पालक ठंडा हो जाए तो जार के अंदर डाल देंगे। देखिए, हमारा पालक ठंडा हो चुका है, इसे मैं जार में डाल रही हूँ। सारे पालक को जार में डाल देंगे। पालक डालने के बाद इसके अंदर मैं 5 से 6 ग्रीन चिल्ली डाल रही हूँ और 8-10 गार्लिक, 1 इंच अदरक और 1 छोटा सा ऑनियन डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इसके अंदर। इसे ढक के अभी हम लोग इसका पेस्ट बना लेंगे। हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है। देखिए, पेस्ट बन चुका है। इसमें शुगर डालने की वजह से इसका कलर हराई का हराई है। इसे हम लोग अभी इस ग्रेवी को परात में निकाल लेंगे और जार में थोड़ा सा पानी डाल के उस पानी को भी पेस्ट में डाल देंगे। इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे। अभी हम लोग 1 स्पून अजवाइन, 2 स्पून सफ़ेद तिल डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक, 1/2 कप मैदा डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे सारे को। मैदा और ग्रेवी अच्छे से मिल जाना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर हम लोग जो आटा रोटी के लिए बनाते हैं, गेहूं का आटा, वो आटा ले लेंगे। मैं यहाँ 2 कप आटा ले रही हूँ। इसे एक बार स्पून से अच्छे से मिला लेंगे सारे को। उसके बाद हाथ से अच्छे से गूंद लेंगे। हमें थिक आटा चाहिए, इसके नरम आटा नहीं चाहिए, वरना पूरी ज़्यादा तेल पिएगा और सारा पूरियाँ तेल तेल बनेंगे। इसलिए हमें थिक ही आटा गूंदना है। इसे देख के पानी डालिए थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, इतना थिक आटा होना चाहिए। थोड़ा मुश्किल होगा गूंदने में, लेकिन ऐसा करने से आटा पूरी अच्छे बनते हैं। अभी इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल के 1 मिनट और गूंद लेंगे। अभी इसे तेल लगा के ढक के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्टिंग दे देंगे। तब तक हम लोग रायता बना लेंगे। रायते के लिए मैं यहाँ ये खीरा, टमाटर और आनियन को बारीक कट करके रखी हूँ। उसके अंदर दही डाल देंगे। मैं यहाँ 1 छोटा बाउल भर के दही ले रही हूँ। आप आपके घर के लोगों के हिसाब से दही लीजिए। इसमें पेपर पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा स्पून रेगुलर नमक और 1/2 स्पून काला नमक डाल देंगे। थोड़ी सी चीनी डाल के इसे अच्छे से फेंट लेंगे। चीनी डालने से रायते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे स्मूथ फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसके ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे। अपना रायता रेडी है। तब तक आटा भी रेस्ट हो चुका है। अभी इसे छोटे छोटे लोइया बना लेंगे। जितना पूरी आप लोग बनाना चाहते हो उस हिसाब से पूरी, ना ज़्यादा पतले होना चाहिए ना ज़्यादा थिक होने चाहिए, मीडियम होना चाहिए, उससे अच्छे से फूलेंगे। चलिए, अब हम लोग पूरी बना लेते हैं।
मैं पहले थोड़े से पूरी बेल के रख लूँगी, उसके बाद तल लूँगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बाद जो बेल बटन है उसे प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को अप टू डेट मिलते रहे। पूरिया बेलना हो चुका है, अभी हम लोग इसे तल लेंगे। तेल भी गर्म हो चुका है। क्रिस्पी क्रिस्पी फुले फुले पूरी रेडी हो चुके हैं। पूरी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग सभी से एक रिक्वेस्ट है, सब लोग सेफ रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। अगर आप ज़रूरी काम है तो ही बाहर जाइए, वरना बाहर मत जाइए। सिचुएशन बहुत ख़राब है, हमारे परिवार को हम लोगों की आवश्यकता है, इसीलिए पहले हम लोग सेफ रहेंगे तो सभी को सेफ रख सकते हैं। प्लीज़ सभी लोग सेफ रहिए। चलिए, पूरी रेडी हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी पूरी और टेस्टी पूरी बनते हैं। इसे आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अपने परिवार को खिलाइएगा। ये रायते के साथ बहुत टेस्टी बनता है, रायता बनाइए कंपलसरी। और आपके परिवार को और आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।